हाँ साथियों गौर फरमाइएगा, जी हाँ गौर फरमाइएगा। मधुर अपने कमरे में विश्राम कर रहा है, ठाकुरानी साहिबा अपने क्रिया चरित्र को अपना लेती है और उसके कमरे में दबे पांव चुपके चुपके कमरे में पहुंच जाती है। ना, ना, ना। बिल्ली रो रही है, चुप हो जा चुप हो जा। चाहे जितना रोए चिल्लाए मैं अपना काम करके हूँ। ठीक है मधुर, अब तुम्हें ख्याल आएगा कि प्रिय चरित्र होता क्या। भगवान साहबा कुछ न सूझा तो मधुर को फंसाने के लिए साक्ष के तौर पर मधुर का जूता उठा ले जाती कि मधुर की नींद खुल जाती और मधुर नींद से जाग कर बैठता है। फिर उसका ध्यान अपने जूते पर जाता, जूता न देखकर मधुर झटक कर उठकर चकमका जाता। या भगवान कौन आया मेरे कमरे में और मेरा जूता कहाँ है। मेरे भगवान, अरे पैर का जूता अचानक मेरे कमरे में नहीं है, न जाने कौन मेरे कमरे से मेरा जूता लेकर के चला गया। चलो मैं चलकर अपने जूते को ढूंढता हूँ। मेरा खौफ भी नहीं खाया, मेरा जूता ही गायब कर दिया। कोई बात नहीं है, मैं स्वयं चलकर अपने जूते को ढूंढता हूं।
कहीं फिर क्या बात है। रात 12 बजे ते महाराज जी, रात 12 बजे ते महाराज जी मेरे कमरे में मंत्री मधुर घुस गए। आए कर कर पलंग पर दबाया मुझे, अरे लूटा असमत मेरी खुद सताया मुझे। अरे तो क्या कहा लूट मंत्री ने इज्जत लिया, क्या कहा लूट। बनवारी कहां पर है? बनवारी जिला हाजिर है, ठाकुर साहब बुला रहे हैं। बनवारी सी जाओ उस कमीने मधुर को गिरफ्तार करके ले आओ जिंदान में। मेरी क्या बताओ अब ही ले गो पिरार तेरे। लक्ष्मी नहीं मैं महालक्ष्मी हूँ, महालक्ष्मी महालक्ष्मी। तो भाई से ज्यादा पढ़ कर के माना तुझे की मेहरबानी तूने, अरे बेशरम इसका बदला मुझे आज तूने दिया। कभी नहीं सोचा था अन्यथा तुझे ठिकाना नहीं देता। अकुशल से आप मरी यार मरी मुझे तुझे सोचा नहीं मैं समझ में आ रही थी तेरे बाप और बाप की राजा ये कभी नहीं मानने वाला है। देख रहे हो घूर घूर के टक रहा है, घूर घूर के ठगराई के साथ क्या किया। नारायण ठगराई साहेबा लक्ष्मी थी। अरे जोगा सिंह मैं लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी। हाँ हाँ महालक्ष्मी महालक्ष्मी। क्यों झूठ तो नहीं लगे और तो भी मैं बार बार कह रही थी मान जाओ राजा। वो तो भगवान ही जानते हैं कि आप लक्ष्मी हैं या फिर कुलक्षणी हैं। तुम्हारे सामने मुझे खड़े हो जा।